नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर एक क्लास के साथ हैं, एक नए क्लास के साथ हैं। आपको ये क्लास लाफा के लिए और FASP दोनों में हेल्प करेगा आपको, और इससे कई क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग आते हैं क्लास पे। आज हम लोग पढ़ते हैं फॉर्म नंबर। फॉर्म नंबर या इसे हम लोग फॉर्मेट नंबर भी कह सकते हैं, फॉर्म नंबर या फॉर्मेट नंबर कुछ भी कह सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि सभी डिपार्टमेंट का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिस पर कि उसका इंटरनल वर्क होता है। तो उसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर बहुत सारे फॉर्मेट हैं, बहुत सारे फॉर्म हैं जिनका कि अपना एक फॉर्मेट है, फॉर्म का एक अपना एक फॉर्मेट है। सपोज कीजिए कि आप अपने अभी एग्जाम के लिए फॉर्म अपना फिलअप किया, तो आपके फॉर्म को रिवाइज भी किया गया था। तो रिवाइज जो किया गया था, तो आपके फॉर्म में आपने लिखा हुआ ना कि जैसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर नेम था, है ना, सेकंड पे यहाँ पर फादर्स नेम होगा, थर्ड पे आपका डेजिग्नेशन पोस्ट या कुछ होगा। तो ये जो फॉर्मेट था सबके लिए सेम था, आपके लिए भी था और आपकी तरह जितने भी कैंडिडेट हैं, है ना, उन सब के लिए भी सेम फॉर्म है। इसका मतलब एक फॉर्मेट है। इसका क्या है कि एक फॉर्मेट इस तरह से बनाया गया है, वो सबके लिए सेम है, ठीक है। तो उसी तरह से फैक्ट्री के अंदर जो इंटरनल वर्क होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, हम लोग कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए अंदर में जो वर्क होता है, सबके लिए एक फॉर्मेट बनाया गया, सबके लिए एक फॉर्मेट बनाया गया है। और अब फॉर्मेट ढेर सारे हैं, बहुत सारे फॉर्मेट हैं, तो उनको पर्टिकुलर आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे ये फॉर्मेट कौन कौन सा है। तो उनके लिए सब फॉर्मेट को एक नंबर दिया गया, एक यूनिक नंबर दिया गया फॉर्मेट को। जैसे सपोज कीजिए आपका ये जो एग्जाम फॉर्म था, है ना, इस एग्जाम फॉर्म को अगर हमने नाम दे रहा हूँ 1 2 3 फैक्ट्री, 1 2 3 फैक्ट्री का मतलब होता है फैक्ट्री के लिए यूज होगा 1 2 3, तो इस फॉर्मेट का नाम हो गया फैक्ट्री 1 2 3, इस फॉर्मेट का नाम हो गया फैक्ट्री 1 2 3। अब जब भी कोई अगर सिर्फ बोल दे कि फैक्ट्री 1 2 3 फॉर्मेट है, है ना, इसमें कुछ आपको काम करना है, आप समझ जाएंगे कि ये वाला फॉर्मेट है। इसमें बहुत सारे चेंजेस भी हो सकते हैं, कभी कभी इसी फॉर्म को थोड़ा सा चेंज भी किया जा सकता है। हो सकता है यहाँ के पर नाम के बाद फादर्स नेम ना आ जाए, मदर्स नेम आ जाए सेकंड नंबर पे, तो ये फॉर्म थोड़ा चेंज हो गया, तो इस फॉर्मेट का नंबर भी चेंज किया जाता है, फॉर्मेट का नंबर भी चेंज किया जाता है, मतलब फॉर्मेट का नंबर भी चेंज हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा आपने इसमें चेंजेस किया। अगर ऐसा चेंज नहीं किया, आप नंबर चेंज नहीं करेंगे, तो फिर यूनिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मेट नंबर होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम जितने वर्क होते हैं, सब इंटरनल वर्क होते हैं, उनका जो एक फॉर्मेट है, उनका फॉर्मेट नंबर है, उसी में से कुछ फॉर्मेट जो है आपके मिनिस्ट्री, आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में यूज होता है, कुछ जो होता है आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में यूज होता है। तो हम लोग कुछ देखेंगे कि हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में क्या क्या यूज होता है, कौन कौन सा फॉर्म नंबर यूज होता है ना, ठीक है, देखते हैं थोड़ा। ठीक है, तो आप जानते ही होंगे, इसमें बहुत सारी चीज जानते होंगे, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम लोग कुछ पहले देख लेते हैं कि आप जानते होंगे कि इसमें आप हमेशा आता होगा आपको IEF, है ना, IEF आता होगा, तो आता होगा IFO आता होगा, है ना, IFZ आता होगा, ठीक है, IF ऐसा रहता होगा फैक्ट्रीज। तो इसका क्या मीनिंग है, पहले तो ये देख लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसका IF अगर लिखा है तो इसका मीनिंग है इंडियन आर्मी फॉर्म, ठीक है, इंडियन आर्मी फॉर्म।
इसका क्या मतलब है? IFO इंडियन आर्मी फॉर्म ओ कैटेगरी का। IF तो जान गए इंडियन आर्मी फॉर्म है। अब इसमें भी कैटेगराइज किया गया है ओ जेड फैक्ट्री, ये कैटेगराइज है ना, कैटेगराइज क्योंकि बहुत सारे फॉर्म है तो उनको कैटेगराइज बांटा गया है। तो IFO अगर है तो इंडियन आर्मी फॉर्म ओ, और अगर IFZ है तो इंडियन आर्मी फॉर्म जेड, इंडियन आर्मी फॉर्म जेड है, ठीक, इंडियन फॉर्म आर्मी फॉर्म जेड है। अगर ऐसा है IF फैक्ट्रीज है तो इसका मतलब हो गया इंडियन आर्मी फॉर्म फैक्ट्रीज, इंडियन आर्मी फॉर्म फैक्ट्रीज, इसका ये मतलब है, ठीक है। अब जानते हैं कि ये अल्फाबेटिक अल्फाबेटिक है, इसके बाद अल्फाबेटिकल के बाद यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल डिजिट्स होते हैं, हम लोग जानते हैं ना IFO के बाद कुछ न्यूमेरिकल डिजिट्स होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये अब अनुजय इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक एक फॉर्म नंबर इस तरह से हम लोग देखेंगे, एक एक फॉर्म नंबर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म नंबर ऐसे है तो हम लोग देखते हैं कि IFZ 2096, सभी वाकिफ होंगे इस फॉर्म नंबर से, बड़ा इंपॉर्टेंट है IFZ 2096, है ना। तो इसका क्या मतलब होता है? ये फॉर्मेट यूज होता है CRV, CRV एक्सपेंस वाउचर, ठीक है, एक्सपेंस वाउचर, इशू वाउचर, इशू वाउचर, नॉमिनल वाउचर, नॉमिनल वाउचर, ट्रांसफर वाउचर, ठीक है, ट्रांसफर वाउचर, इतने चीजों के लिए यूज होता है। सीआरबी, सीआरबी हम जानते हैं सर्टिफाइड इशू वाउचर, सीआरबी जानते हैं हम लोग सर्टिफाइड रिसीव्ड वाउचर, एक्सपेंस वाउचर यूज होता है, जानते हैं कुछ मटेरियल को जो हम लोग एक्सपेंस कर देते हैं, किसमें हो सकता है कि इंस्पेक्शन के दौरान या कुछ नेचुरली एक्सपेंस होते हैं, जैसे डीजल पेट्रोल होता है उनका एक्सपेंस होता है तो उनके लिए वाउचर बनता है एक्सपेंस वाउचर। इशू वाउचर जानते हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं कि इशू वाउचर बनता है, नॉमिनल वाउचर भी पढ़े हैं हम लोग, है ना, नॉमिनल वाउचर, ट्रांसफर वाउचर, ये इन सारे का फॉर्मेट जो है IFZ 2096 है, तो है ना, इस फॉर्मेट में सारा यूज होता है, ठीक। सेकेंड देखते हैं, IFZ 2125, IFZ 2125 ये होता है कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ टेंडर, CST कहते हैं इसको, जो मटेरियल मैनेजमेंट के पार्टिसिपेंट हैं वो जानते हैं कि CST क्या होता है। CST जब टेंडर के बाद एक सीट बनता है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट टेंडर बनता है, उनका कंपेयर किया जाता है, जितने भी टेंडर आते हैं उनका एक सीट में कंपेरिजन होता है तो CST बनता है ये, ठीक है। थर्ड है IFZ 2016, ये होता है IFZ 2016 डिस्पैच रजिस्टर, होता है डिस्पैच रजिस्टर,
सॉरी यहाँ पर आईएएफ होगा, ठीक है, IFZ 1932, ठीक है, IFZ 1932 गेट पास, गेट पास है किसके लिए होता है ये, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब जो आप लोग गेट पास लेके फैक्ट्री से बाहर जाते हैं तो वो इस फॉर्मेट में होता है IFZ 1932 गेट पास, ठीक है। लेकिन एक गेट पास होता है मटेरियल के लिए, जो मटेरियल बाहर जाता है ना, एक गेट पास होता है मटेरियल के लिए, जो मटेरियल बाहर जा रहा होता है तो उसके लिए यूज होता है IFO, है ना, IFO 2387, ये होता है गेट पास, लेकिन मटेरियल के लिए, ठीक है, एक गेट पास है लेकिन मटेरियल के लिए, गेट पास है लेकिन मटेरियल के लिए, ठीक है। तो थोड़ा नीचे हो जा रहा है, मैं इसको इरेज करता हूँ। ये आपके एग्जाम में आते हैं, है ना, कभी कभी हो सकता है दो चार से अधिक भी पूछ दिया जाता है, तो इसे याद रखिएगा, इसको याद ही करना पड़ेगा, मैं बहुत सारा भी बताऊंगा लेकिन इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सिक्स नंबर आते हैं, IFO 1937, ठीक है, IFO 1937, ठीक है, इंडियन आर्मी फॉर्म ओ, ठीक है, इंडियन आर्मी फॉर्म ओ 1937, इसको कहते हैं इंस्पेक्शन नोट, जिसको हम लोग आई नोट कहते हैं, आई नोट कहते हैं इंस्पेक्शन नोट, ठीक है। या इसका दूसरा नाम क्या है बता सकते हैं, डिपार्टमेंटल एडवाइस नोट, इसको सेकंड नाम से क्या जानते हैं, इंस्पेक्शन नोट को डिपार्टमेंटल एडवाइस नोट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसे जो है सीएस भी कहते हैं, सीएस, ठीक है, सीएस का क्या मतलब होता है, कंपोनेंट स्टॉक वाचर, कंपोनेंट स्टॉक वाचर, बता सकते हैं कहाँ यूज होता है कंपोनेंट स्टॉक वाचर का, कंपोनेंट स्टॉक वाचर का यूज कहाँ होता है, इसको हम लोग पीपीएल सिस्टम में यूज करते हैं, पढ़े थे ना हम लोग पीपीएल सिस्टम, तो पीपीएल सिस्टम में रिसिप्ट की जो पोस्टिंग होती है वो आईनोट से होती है, और वहां पर आईनोट को कंपोनेंट स्टॉक वाचर कहते हैं, क्योंकि वहां पर हम लोग क्या मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको कुछ फैक्ट्रियों में ओ वाचर भी कहते हैं, कुछ फैक्ट्रियों में इसे ओ वाचर भी कहते हैं, ठीक है, कहां पर कहते हैं, एम्यूनिशन फैक्ट्री किरकी, ठीक है, एम्यूनिशन फैक्ट्री किरकी में, ठीक है, और लेदर फैक्ट्री, एम्यूनिशन फैक्ट्री किरकी एंड लेदर फैक्ट्री, एम्यूनिशन फैक्ट्री किरकी एंड लेदर फैक्ट्री में से ओ वाउचर से भी जानते हैं, ओ वाउचर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आते हैं सेवन नंबर पे, IFO 1925, बड़ा विवादित है इसको ना, ये तो 1925 को हम लोग जानते हैं,
मैन्युफैक्चरिंग वारंट का फॉर्मेट नंबर है 1925, ठीक है 1925, और इसे हम लोग क्लॉथिंग फैक्ट्री में क्या कहते हैं बताइए, क्लॉथिंग फैक्ट्री में से क्या कहते हैं, वर्क ऑर्डर सीट फॉर क्लॉथिंग फैक्ट्री, क्लॉथिंग फैक्ट्री के लिए है ना, क्लॉथिंग फैक्ट्री के लिए ये कहलाता है वर्क ऑर्डर सीट। लेकिन इसमें आप लोग कहीं पढ़े होंगे कि ये जो है 1935 भी होता है, 1938 भी होता है, ठीक है, तो इसका तीनों नंबर होता है, 1925 भी होता है, 1935 भी होता है, 1938 भी होता है। हमने पहले ही बताया था कि किसी भी फॉर्म में क्या होता है, अगर थोड़ा सा कुछ चेंजेज अगर कर लेते हैं तो उनके लिए आपको एक नया फॉर्मेट नंबर जारी करना पड़ता है, अगर नहीं ऐसा किए तो यूनिक नहीं रहेगा, यूनिक नहीं रहेगा। तो ये जो वारंट है, अब जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग वारंट कहते हैं लेकिन कहीं पर इसे वर्क ऑर्डर सीट कहा जाता है लेदर फैक्ट्री में ना, क्लॉथिंग फैक्ट्री में से वर्क ऑर्डर सीट कहा जाता है, तो इसका मतलब थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज भी तो होगा, फॉर्मेट चेंज भी होगा। तो फॉर्मेट 1935 बन गया, फॉर्मेट 1938 भी बन गया, ठीक है। तो तीनों जो फॉर्मेट है वो मैन्युफैक्चरिंग वारंट के लिए ही यूज होता है, बस अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो तीनों आपको याद रखना है कि 1925 भी है, 1935 भी है, 1938 भी है, ठीक है। एट नंबर पे IFO 1889A, ठीक है, तो ये है पीस वर्क कार्ड, पीस वर्क कार्ड। लेकिन जानते हैं कि पीस वर्कर जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक इंडिविजुअल पीस वर्कर होता है, एक गैंग पीस वर्कर होता है जो गैंग में काम करता है। तो ये जो पीस वर्क कार्ड है वो गैंग के लिए है, गैंग पीस वर्कर के लिए है, ठीक है। और एक है IFO 1889, ठीक है 1889, तो ये है आपका इंडिविजुअल पीस वर्क कार्ड तो है, लेकिन इंडिविजुअल है, ठीक है, ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पीस वर्क कार्ड, ठीक है। चलिए नाइन में आते हैं, IFO 1383, ये आपका है डे वर्क कार्ड, ठीक है, डे वर्क कार्ड IFO 1383 आपका डे वर्क कार्ड। टेन नंबर देखते हैं, IFO 1926, ठीक है, ये आपका है, सब जानते होंगे इसको, ठीक है, डिमांड नोट IFO 1927 देखते हैं, ये है रिटर्न नोट, ठीक है, लिखते जाइएगा तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। एक इसमें देखते हैं कि IFO 1895, यह है रेड रिटर्न नोट, रेड डिमांड नोट, ठीक है। और
1895, यहाँ पर ए लगा हुआ है, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर ए है इसी तरह यहाँ पर ए है, ठीक है। ये होता है रेड रेड रिटर्न नोट। जानते हैं रेड रिटर्न नोट कहाँ यूज होता है, डिमांड नोट है ना, एक्सेप्ट सिस्टम में क्या होता है, रेड डिमांड नोट और रेड रिटर्न नोट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मेट नंबर है यूज होता है, लेकिन ना, लेकिन किसी किसी फैक्ट्री में इसको भी यूज किया जाता है रेड रिटर्न नोट और रेड डिमांड नोट की तरह। 1926, 1927 को भी यूज किया जाता है, जो नॉर्मल डिमांड नोट होता है रेड नोट उसको भी एक्सेप्ट सिस्टम में यूज कर लिया जाता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली क्या है कि इसका जो फॉर्मेट नंबर है अलग है रेड डिमांड नोट का और रेड रिटर्न नोट का, ठीक है। फोर्टीन देखते हैं हम लोग, फिफ्टी एट, सेल अकाउंट, IAFA 58 क्या है, सेल अकाउंट है। सेल अकाउंट क्या होता है, जितने भी सेल करने से फैक्ट्री के प्रोडक्ट को सेल करने से जितने भी रिकवरी होते हैं वो यहां पर लिखे जाते हैं, इसमें लिखे जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सेल एंड देयर रिकवरीज, सेल एंड देयर रिकवरीज, जितने भी सेल हैं और रिकवरी हैं वो सभी यहां आ जाएंगे, ठीक है। सेल अकाउंट कहते हैं इसको। फिफ्टीन है आपका IAF फैक्ट्री, ठीक है, 53। इसको कहते हैं सेमी सेमी, लेकिन क्या फिनिश्ड, सेमी है लेकिन किसका सेमी, फिनिश्ड का सेमी। किसका सेमी है, ये फिनिश्ड का सेमी है, ठीक है। तो क्या मतलब हो गया इसका, हम जानते हैं कि दो तरह के सेमी होते हैं, एक होता है फिनिश्ड सेमी, एक होता है अनफिनिश्ड सेमी। पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है, तब हम करेंगे। IFO 1906, IFO 1906 ये हो गया आपका सेमी लेकिन अनफिनिश्ड, ठीक है, सेमी अनफिनिश्ड। और फिनिश्ड का मतलब होता है, सेमी फिनिश्ड का मतलब होता है कि आइटम फिनिश हो चुके हैं, आइटम फिनिश हो चुके हैं लेकिन 31 मार्च तक वो डिस्पैच नहीं हो गया है, डिस्पैच नहीं किया जा सका है किसे, इंडेंटर को डिस्पैच नहीं किया जा सका है, उसे सेमी फिनिश्ड कहते हैं। और सेमी अनफिनिश्ड जो है वो अभी बना ही नहीं है, ठीक है, WIP के कंडीशन में है, वर्क इन प्रोग्रेस के कंडीशन में है, तो वह कहलाता है सेमी अनफिनिश्ड। 31 मार्च तक ये बना ही नहीं है, और ये क्या फिनिश्ड है, सेमी फिनिश्ड, बन गया है लेकिन इंडेंटर को डिस्पैच नहीं हुआ है, इंडेंटर को डिस्पैच नहीं हुआ है, तो ये इसका होता है, ठीक है। 17 देखते हैं, ठीक है, 17 देखते हैं हम लोग कि अच्छा, एक मैंने आपको एक चीज नहीं बताया, मैं इसी चीज को सोच रहा हूँ बचा दूँ इसको, है ना। एक और होता है इसमें, IFO 1760,
इसको WIP भी कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, इसका भी फॉर्मेट है IFO 1760। ठीक है, ये एक्चुअल में सेमी स्टेटमेंट के हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं उसका फॉर्मेट है, और ये WIP का सीधा फॉर्मेट है ना, वर्क इन प्रोग्रेस का फॉर्मेट है। IFO 1381, ठीक है, और IFO 1940, ये होता है स्टैंडर्ड एस्टिमेट। स्टैंडर्ड एस्टिमेट, ठीक है, स्टैंडर्ड एस्टिमेट, और ये जो होता है फॉर मटेरियल, आप लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड एस्टिमेट जो बनता है मटेरियल के लिए बनता है, लेबर के लिए बनता है, तो ये स्टैंडर्ड एस्टिमेट मटेरियल, और ये भी तो स्टैंडर्ड एस्टिमेट ही है, ठीक है, स्टैंडर्ड एस्टिमेट, लेकिन ये क्या है फॉर लेबर, लेबर के लिए है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इसको रेट फॉर्म भी कहते हैं, है ना, रेट फॉर्म भी कहते हैं, रेट फॉर्म भी कहते हैं, और एक नाम से जानते हैं इसको हम लोग क्लॉथिंग फैक्ट्री में गार्निचर लिस्ट भी कहते हैं। क्लॉथिंग फैक्ट्री में क्या कहते हैं इसे, गार्निचर लिस्ट भी कहते हैं, रेट फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, IFO 1970, ठीक है, IFO 1907, ये दो फॉर्मेट यूज होता है इसके लिए। ये एक चल में स्पेशली ट्रांसफर वाउचर, हम लोग ट्रांसफर वाउचर पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, ये जो है स्पेशली यूज होता है। कब ट्रांसफर वाउचर इसका यूज होता है, स्पेशली यूज होता है कि जब लेबर या मटेरियल को, है ना, लेबर या मटेरियल को जब एक वर्क ऑर्डर से दूसरे वर्क ऑर्डर में ट्रांसफर करना हो, है ना, ट्रांसफरिंग ऑफ मटेरियल एंड लेबर इंटू अनदर वर्क ऑर्डर। ठीक है, ट्रांसफर वाउचर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, स्टॉक पाइल से नॉर्मल स्टॉक में लाने के लिए भी ट्रांसफर वाउचर का यूज करते हैं, तो वहां जो ट्रांसफर वाउचर यूज करते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा 2096 उसमें यूज करते हैं, लेकिन ये स्पेशल है जो ट्रांसफर मटेरियल और लेबर को एक वर्क ऑर्डर से दूसरे वर्क ऑर्डर में ट्रांसफर करते हैं। हम लोग पढ़े हैं कि एक वर्क ऑर्डर से दूसरे वर्क ऑर्डर में करने की जरूरत पड़ती है तो उस कंडीशन में इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो अंतर थोड़ा सा क्लियर रखिएगा कि डिफरेंस दोनों में क्या है, वहां पर क्या यूज करते हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़ा और अभी क्यों यूज कर रहे हैं इसे, इसलिए डोंट बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, अब देखते हैं, इसे तो सब जानते होंगे, IFO 1367, ठीक है, और एक होता है IFO 1367A, ठीक है, 67A। तो क्या है ये, मास्टर रोल है। ठीक, मास्टर रोल है ये, और ये जो है वो आउट है, आउट, जब मास्टर रोल आउट के लिए है, फैक्ट्री से बाहर जाने के लिए मास्टर रोल, और ये है मास्टर रोल इन के लिए,
फैक्ट्री के अंदर आने के लिए, ठीक है, इस मस्टर रोल का यूज करते हैं हम लोग। अब मस्टर रोल क्या है जानते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए कि हमारे पास मस्टर रोल होता है, हम लोग जानते हैं कि हमारे पास मस्टर रोल होता है, और अकाउंट के पास क्या होता है, एक्विटेंस रोल, है ना, एक्विटेंस रोल होता है, जो अकाउंट जिसमें कि हमारे अटेंडेंस को रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो उनके पास जो फॉर्मेट है, उनके पास फॉर्मेट है IF फैक्ट्रीज 74, ठीक है, ये भी हो सकता है 74A भी हो सकता है, और 74B, ठीक है, इन तीनों फॉर्मेट में वो करता है। IF फैक्ट्री 74 में, IF फैक्ट्री 74A में, IF फैक्ट्री 74B में, है ना, इस तीन ये फॉर्मेट है इनके पास। तो इनमें क्या कहते हैं, अटेंडेंस रिकॉर्ड करता है LO के द्वारा, है ना, अटेंडेंस रिकॉर्डेड बाय LAO, लोकल अकाउंट ऑफिस, ठीक है, या इसको एक्विटेंस रोल भी कहते हैं। एक्विटेंस रोल भी कहते हैं, लेकिन इसी में एक और फॉर्मेट है, एक और फॉर्मेट है इसी में, वो है आपका IF फैक्ट्रीज 73, IF फैक्ट्री 73, लेकिन ये क्या है ना, ओल्ड वर्जन था, ओल्ड वर्जन है ये, है ना, न्यू वर्जन इनका ये है ना, ये वो ओल्ड वर्जन हुआ करता था, ठीक है। ये कौन सा नंबर था, मैं भूल गया, 21 था आई थिंक, ठीक है, मैं भूल गया, शायद ये 22 है मुझे लग रहा है, 21 था ये, ठीक है। IF 13, AFL क्या है फुल फॉर्म इसका, एग्रीमेंट फॉर्म ऑफ लेबर, एग्रीमेंट फॉर्म ऑफ लेबर कौन बनाता है, अकाउंट ऑफिस, किसके लिए बनाता है, टोटल वेज पेमेंट करने के लिए, ठीक है। IFO 1929 क्या होता है, डीसी किसे कहते हैं, डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट 24। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत सारा है आपको, और नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, है ना, डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट IFA 68, सब जानते होंगे इसको, क्या है ये, कॉन्ट्रैक्टर्स बिल, कॉन्ट्रैक्टर्स बिल, कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, अपने बिल को हम लोग एक फॉर्मेट दे देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, कि आप बिल हमेशा इस फॉर्मेट में दीजिए, हमें अपना जो वो पैसे का बिल देता है कि इतना रुपया हुआ आपका, कोई चीज परचेज करते हैं हम, तो ये एक्चुअल में इस फॉर्मेट में हमें बिल देता है, ठीक है। IFA 525, ठीक है, यूज होता है
चलिए एक इसी में पहले लिख देते हैं, और भी सारा है, IFA 285, ठीक है, और एक है IFA 507। क्या है ये? 507 है, ठीक है। तो देखिए तीन चीजें हैं, IFA 525 285, ठीक है, और 507। तो IFA 525 यूज होता है SDPHD, जानते हैं ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट, या तो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट, SD सिक्योरिटी डिपॉजिट भी उसको कह सकते हैं हम लोग, और जनरली उसका जो टेक्निकल नेम है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो SD या PHD, SD या PHD है ना, फर्म क्या करता है, हमारे पास SD या PHD को जमा कर रहा होता है, हमारे PHD को जमा करता है हमारे पास। तो अगर कैश में जमा कर रहा होता है, कैश में, तो इस फॉर्मेट में हम लोग रजिस्टर में लिखते हैं SD PHD रजिस्टर फॉर कैश, ठीक है, कैश में। इसमें अगर वो कैश के अलावा किसी अदर फॉर्म में कर रहा है, ठीक है, SD PHD रजिस्टर फॉर अदर फॉर्म, अदर फॉर्म मतलब हमारे पास जो ना SD वो PHD जो सबमिट करता है, डिपॉजिट करता है, वो DD के फॉर्म में भी करता है, DD के फॉर्म में भी करता है, FD के फॉर्म में भी करता है, फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में करता है, उसके बैंक के पास जो फिक्स डिपॉजिट जमा है वो हमें दे देता है, वो है ना, MM में पढ़ेंगे इन सबको तो, लेकिन वो हमें इस अदर फॉर्म में भी देता है, या तो कैश में भी दे सकता है या दूसरे फॉर्म में भी दे सकता है। तो दूसरे फॉर्म में अदर कैश के लिए ये यूज होता है, बाकी अदर फॉर्म में अगर दिया गया तो उसको इस रजिस्टर में लिखते हैं, इस फॉर्मेट में लिखते हैं। और IFA 507 को सब जानते हैं, है ना, हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ये क्या है, इसको कहते हैं MRO, और MRO का फुल फॉर्म क्या है, मिलिट्री रिसेबल, मिलिट्री रिसेबल ऑर्डर। एक्चुअल में क्या होता है, ये चलान होता है, जिस चलान के थ्रू हम लोग ट्रेजरी में सरकारी खजाने में पैसे को जमा करते हैं, MRO के थ्रू, MRO के थ्रू, ठीक है। तो उसका ये फॉर्मेट ये है, ठीक है। एक हम लोग और लिख लेते हैं नीचे, आ सकता है, मैं देख रहा हूँ आ सकता है ये, IF फैक्ट्री, FAC है, ठीक है, FAC है, फैक्ट्रीज है, 45, 45, 45। तो इसका नंबर मतलब होता है, सरप्लस वाउचर, क्या है ये, सरप्लस वाउचर। कब यूज होता है इस सरप्लस वाउचर का, जब स्टॉक टेकिंग SVG कर रहा होता है, तो उस समय अगर सरप्लस मिलता है, उस समय अगर सरप्लस कोई आइटम मिलता है, तो हम लोग पहले एक सरप्लस वाउचर बना लेते हैं, क्योंकि स्टॉक टेकिंग में सरप्लस मिला है, तो इसको लिख सकते हैं ड्यूरिंग स्टॉक टेकिंग, ठीक है, सरप्लस वाउचर है ड्यूरिंग स्टॉक टेकिंग, ठीक है, स्टॉक टेकिंग के समय जो सरप्लस हमें फाउंड होता है, सरप्लस फाउंड होता है ना, जैसे कि अगर हमारे बिन कार्ड में, सपोज लीजिए कि बिन कार्ड में अगर 5 मटेरियल है, और हमें मिलता है फिजिकल में कितना है, 6 मटेरियल, तो 1 मटेरियल क्या हो गया, 1 नंबर ऑफ आइटम क्या हो गया, हमारे लिए सरप्लस फाउंड हो गया, ठीक है। तो उसको इसमें हम लोग लिखते हैं, 27 देखिए, IF फैक्ट्रीज 15, इसी में दो यूज होता है, IF फैक्ट्री 16, बता सकते हैं किसके लिए यूज होता है, PSA प्राइज्ड स्टोर अकाउंट,
प्राइस स्टोर अकाउंट जानते हैं हम लोग। फिर प्राइस स्टोर अकाउंट क्या ना, मंथली बनता है, मंथली बेस पे बनता है प्राइस स्टोर अकाउंट। लेकिन इन दोनों का क्या क्या यूज है? पीएसए क्या है? फैक्ट्री में किए गए उस मंथ में टोटल रिसिप्ट और इशू का क्या है, एक वो समरी है, एक क्या है, समरी है, ठीक है। तो ये जो 15 है ये रिसिप्ट के लिए होता है। फैक्ट्री में जितने प्रकार के रिसिप्ट होते हैं उनका ये पीएसए है, और ये इशू के लिए होता है, ठीक है, ये इशू के लिए होता है। और हम जानते हैं कि पीएसए कोड होता है। पीएसए क्या होता है? कोड होता है रिसिप्ट और इशू के लिए। सब बहुत सारा कोड है पीएसए, उतना हम लोग को पढ़ना नहीं है, याद नहीं करना है, कुछ कुछ पीएसए कोड याद करना है। जैसे 74 होता है एक्सपेंस वाउचर का, एक्सपेंस वाउचर क्या है, एक इशू है उसका 74 होता है। इसी तरह से कुछ कुछ याद करना रहता है। तो फिलहाल देखिए ये पीएसए है 15 के लिए, रिसिप्ट के लिए है, और ये 16 जब आ जाता है तो मतलब इशू के लिए है, ठीक है। IAF A इस तरह से ब्रैकेट में बंद है 57, ठीक है, A इस तरह से, ये यूज होता है रिकवरी मेमो। ठीक है, रिकवरी मेमो है। आपसे किसी पैसे का अगर जो रिकवरी किया जाता है ना, एम्प्लॉय से किसी तरह का रिकवरी जो किया जाता है, इसमें लिखा जाता है रिकवरी मेमो है ये, रिकवरी मेमो, ठीक है। आते हैं 29 पे। आई एफ फैक्ट्री 154, ठीक है, और होता है IFO 1395। ये दोनों यूज होता है, ये दोनों यूज होता है स्टॉक टेकिंग सीट के लिए। ये दोनों यूज होता है स्टॉक टेकिंग सीट के लिए, ठीक है। आई एफ फैक्ट्री 154 और IFO 139 दोनों यूज होता है स्टॉक टेकिंग के लिए यूज होता है। एसपीजी जो स्टॉक टेकिंग करता है तो इन्हीं में लिखता है, ठीक है, दोनों यूज होता है। 30 आइए तो IF 145, IF 144 और IAFA 4498, है ना, सब जानते होंगे इनको, IF 145, IAF 144 और IAFA 498। किसके लिए होता है ये? लॉस स्टेटमेंट के लिए। तो देखिए ये बनता है डिस्क्रिपेंसी वाउचर, डिस्क्रिपेंसी वाउचर, लेकिन सरप्लस के लिए या एक्सेस के लिए, एक्सेस कहते हैं एक्चुअल में, डीई वाउचर ये कहलाता है, डिस्क्रिपेंसी एक्सेस वाउचर, डीई वाउचर। और एक होता है डीडी वाउचर, डिस्क्रिपेंसी डिफिशियंसी वाउचर, ठीक है। तो ये होता है डिस्क्रिपेंसी वाउचर, ये भी होता है लेकिन ये होता है डिफिशियंसी के लिए। मतलब कमी के लिए, ठीक है। तो इसको डीडी वाउचर कहते हैं, इसको डिस्क्रिपेंसी एक्सेस वाउचर कहते हैं, डी वाउचर कहते हैं। और इस पे जो ना लॉस स्टेटमेंट भी बनता है, इस पे क्या बनता है? लॉस स्टेटमेंट भी बनता है ना, 144 पे लॉस स्टेटमेंट। हम लोग जानते हैं कि लॉस स्टेटमेंट दो फॉर्मेट में बनता है, एक IAF फैक्ट्री 144 पे बनता है, ठीक है, और एक बनता है IAF 498 पे। इन दोनों पे बनता है आपका लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस पे बनता है,
कब कब कंडीशन, किस किस कंडीशन में ऐसा बनता है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं लॉस स्टेटमेंट। लॉस स्टेटमेंट IF-498, ठीक है। देखते हैं हम लोग। IF फैक्ट्रीज 102, ये होता है एक्चुअल VOH कंपाइलेशन। ठीक है, एक्चुअल VOH कंपाइलेशन, VOH मतलब वेरिएबल ओवरहेड। एक्चुअल VOH को जहां पर कंपाइल करते हैं वो इस फॉर्मेट में कंपाइल करते हैं। ठीक है, एक्चुअल मतलब जितना हुआ, एक एस्टिमेटेड होता है, एक एक्चुअल होता है, जो तो जो जितना हुआ एक्चुअल में वो इस पर होता है। ठीक है, अब देखिए VOH इसी पे होता है IFO फैक्ट्रीज, FAC है इसको, ध्यान से देखिएगा, फैक्ट्रीज 102A। ठीक है, 102A इस पे PM चार्जेज, SI चार्जेज, NP चार्जेज, इनका फॉर्मेट बनता है। पावर इन मशीनरी, स्टोर इनडायरेक्ट, नॉन प्रोडक्टिव, ठीक, नॉन प्रोडक्टिव चार्जेज, इन चार्जेज को आता है। हम जानते हैं कि ये सारे क्या हैं, वेरिएबल ओवरहेड हैं। ये तीनों चार्जेज क्या है हमारे लिए, वेरिएबल ओवरहेड हैं। ठीक है, IFO 2469 ये होता है पावर कॉस्ट स्टेटमेंट। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि पावर कॉस्ट स्टेटमेंट बनता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्टेटमेंट बनता है। तो जितना इलेक्ट्रिसिटी आपने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया है ना, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो इसको इसमें लिखा जाता है। 34 आते हैं, IF फैक्ट्रीज, ठीक है, 39, IF फैक्ट्रीज 39, ठीक है, ये होता है PLC, PLC का फुल फॉर्म बताइए, कोई जानते हैं, प्रोडक्शन लेजर कार्ड, क्या है ये, प्रोडक्शन लेजर कार्ड सभी जानते हैं, है ना, प्रोडक्शन लेजर कार्ड। क्या होता है प्रोडक्शन लेजर कार्ड, जितने भी प्रोडक्शन होते हैं हम लोग उनका जो जहां पर कंपाइल करते हैं लिखते हैं, PLC में लिखते हैं, PLC में एंट्री किससे होती है, इंस्पेक्शन नोट से PLC में एंट्री होती है, और यहां से ट्रांसफर होता है पी वाउचर के थ्रू, यहां से इशू हो जाता है। ठीक है, IF फैक्ट्रीज 36, इसका मतलब होता है शेड्यूल ऑफ, ठीक है, पी
एम बी वॉचर, पी वॉचर, एम वॉचर, बी वॉचर, बी फॉर बिल्डिंग, एम फॉर मशीनरी, पी फॉर प्रोडक्शन, है ना। इसका जो एक शेड्यूल बनता है, इसको कंपाइल किया जाता है, शेड्यूल मतलब एक लिस्ट होता है, एक लिस्ट होता है जो बनता है, वो इसमें बनता है। ठीक है, IF फैक्ट्रीज 116, ठीक है, ये है आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट स्टेटमेंट ए, है ना। इसमें एक होता है IF फैक्ट्री 120, ये है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अकाउंट स्टेटमेंट बी। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को लेकर दो स्टेटमेंट बनाता है LAO, ए और बी, ठीक है। तो इसका नंबर है ए और बी, ठीक है। सारे आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है ना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको सभी याद करने पड़ेंगे। ऐसे भी जानते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना, पढ़ाई के रास्ते में आप कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते हैं, आपको लॉन्ग कट लेना पड़ेगा। यहाँ 37 कह सकते हैं आप, IF फैक्ट्रीज 21, ये होता है फाउंड्री फॉर्म। फाउंड्री फॉर्म के बारे में जानते हैं ना, तो ये होता है फाउंड्री फॉर्म, ठीक है। ठीक है, IF फैक्ट्रीज, ठीक है, फैक्ट्रीज 77, इसको तो जानते होंगे सब, क्या होता है ये, ब्लॉक रजिस्टर, ठीक है, IF फैक्ट्रीज 77, ब्लॉक रजिस्टर। IAF DG I7, और एक होता है IAF DGOF 17, DGOF 17, एक होता है IAF DG डायरेक्टर जनरल, एक होता है DGOF डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डनेंस फैक्ट्री 17, और यहां पर I7 किसके लिए यूज होता है, ये दोनों होता है एग्जामिनेशन ऑर्डर। हम लोग जानते हैं ना कि जो भी स्टॉक आइटम होते हैं, स्टॉक आइटम होते हैं, उनके लिए क्या बनता है, एग्जामिनेशन ऑर्डर बनता है। तो ये है एग्जामिनेशन ऑर्डर, ठीक है। 40 ना, IFO 1288, ये बिन कार्ड के लिए यूज होता है,
बिन कार्ड के लिए यूज होता है। ऐसे बिन कार्ड के लिए लोकल रिक्वायरमेंट के अनुसार भी अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, बिन कार्ड के लिए अलग अलग फॉर्मेट हो सकते हैं लोकल रिक्वायरमेंट के अनुसार। ठीक है, 41 पे आते हैं तो देखते हैं हम लोग। OF 1892 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1892 ये क्यों होता है? ये होता है ट्रांसफर मेमो के लिए। ट्रांसफर मेमो के लिए जब एम्प्लॉय को ट्रांसफर टू आइडल टाइम, जब एम्प्लॉय को आइडल टाइम में ट्रांसफर कर दिया जाता है आइडल टाइम के लिए, तो इस ट्रांसफर मेमो का यूज करते हैं। ठीक है, आइडल टाइम में जब ट्रांसफर करते हैं, हम लोग जानते हैं जब काम नहीं रहता है तो हम लोग आइडल टाइम में ट्रांसफर कर देते हैं, तो वो इसमें यूज होता है। ठीक है, IFA 2611 ठीक है, IFA 2611 तो ये होता है स्टॉक ट्रांसफर नोट। ठीक है, स्टॉक ट्रांसफर नोट जानते हैं। स्टॉक ट्रांसफर नोट कब यूज होता है? जब एक ही शहर में एक से अधिक फैक्ट्रीज होते हैं, तो उन फैक्ट्रीज के बीच में हो सकता है ट्रांजैक्शन जो है स्टॉक ट्रांसफर नोट से किया जा सकता है, है ना। IFD जरूरी नहीं है, इसके द्वारा ट्रांसफर किया जा सकता है। इसकी 5 कॉपी बनती है। शायद एक बार कोई क्वेश्चन आया भी है कि स्टॉक ट्रांसफर नोट की कितनी कॉपी बनती है, तो 5 कॉपीज बनती है। ठीक है, याद रखिएगा 5 कॉपी बनती है इनकी। फोर्टी थ्री में आते हैं, 43 में IAFT 1707A और होता है एक IAFT 1711 इंडियन आर्मी फॉर्म ट्रांसपोर्टेशन, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इंडियन आर्मी फॉर्म ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, 1711 इसके लिए होता है। अपना हम लोग सुने होंगे ना MC क्रेडिट का नाम सुने हैं ना, मिलिट्री क्रेडिट नोट, जो कंसेशनल रेट पे, जिस कंसेशनल रेट पे हम लोग ट्रेन में अपना आइटम जो है या जो स्टोर से मटेरियल को या तो ट्रांसपोर्ट करते हैं या तो हम लोग कहीं से रिसीव करते हैं, तो कंसेशनल रेट पे। लेकिन है ना, हम लोग पर्सनल को, मतलब अपने एम्प्लॉय को भी, हम अपने एम्प्लॉय को भी, यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एम्प्लॉय को भी, जैसे आर्मी को है ना, एक जगह से दूसरे जगह हम लोग कन्वे करते हैं, यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, तो उस समय भी कंसेशनल रेट जारी रहता है, उस पे यूज करते हैं हम लोग कंसेशनल रेट पे। तो ये कब यूज होता है? ये जब होता है, पहले तो ये समझ लीजिए कि MC है, ठीक, मिलिट्री क्रेडिट नोट है, ठीक है, MC नोट, मिलिट्री क्रेडिट नोट। अब उसके लिए ये कब यूज होता है? जब बुकिंग ऑफ इंटायर गुड्स ट्रेन, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, जब हम लोग पूरे ट्रेन को, पूरा जो गुड्स ट्रेन होता है ना, पूरे गुड्स ट्रेन को अगर बुक कर रहे होते हैं, तो इससे करते हैं IAFT 1707 से, है ना, मिलिट्री क्रेडिट नोट, बुकिंग फॉर इंटायर गुड्स ट्रेन। और इसका जब यूज कर रहे होते हैं, जब थोड़े आइटम होते हैं, थोड़े आइटम होते हैं, तो हम लोग पूरा ट्रेन तो बुक करेंगे नहीं, तो थोड़े आइटम के लिए ये MC क्रेडिट नोट यूज करते हैं। और पर्सनल के लिए, पर्सनल के लिए मतलब एम्प्लॉय को भी अगर इधर से उधर ले जाना है, ट्रांसफर करना है मास में, तो
भी इसे यूज किया जा सकता है। तो ये भी एमसी क्रेडिट नोट ही हैं, ठीक है, एमसी नोट ही हैं। ये किसके लिए होता है? पर्सनल के लिए यूज होता है और गुड्स के लिए, दोनों के लिए यूज हो सकता है, पर्सनल एंड गुड्स दोनों के लिए होता है। पर्सनल पर्सनल नहीं है, पर्सनल है, पर्सनल मतलब होता है एम्प्लॉई ना, दोनों के लिए यूज होता है ये, ठीक है। एक वारंट होता है ना, वारंट सुने होंगे ना कि आर्मी को वारंट, आर्मी जो पर्सनल होते हैं उनको वारंट मिलता है घर जाने के लिए, कहीं जाने के लिए, है ना, उसके बेस पे कंसेशनल रेट पे उनको टिकट्स प्रोवाइड किया जाता है, रेलवे का टिकट्स प्रोवाइड किया जाता है, तो वो होता है वारंट, है ना। तो ये वारंट जो होता है अलग अलग तरह से यूज होता है। IFT इसका भी है नंबर, फॉर्मेट नंबर IFT है, और यहाँ पर जो उसका है 1752, ठीक है, 1752, 1707 भी यूज होता है, लेकिन ए यहाँ यूज होता है एम सी क्रेडिट के लिए, ठीक है, 1707 भी हो सकता है, 1720 भी यूज होता है। ये जो यूज होता है वारंट के लिए यूज होता है, किसके लिए? वारंट, है ना, आर्मी पर्सनल को, आर्मी को वारंट दिया जाता है, वो अपना नेटिव प्लेस जाते हैं, घर जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो एक कंसेशनल रेट पे जाते हैं, कंसेशनल रेट पे जाते हैं, तो वो वारंट होता है। तो इनका फॉर्मेट नंबर ये होता है, ठीक है। अब आते हैं 44 पे, बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार आ चुका है ये, IF फैक्ट्रीज 95, किसका है ये? कॉस्ट कार्ड, लोग जानते हैं ना कॉस्ट कार्ड मेंटेन करते हैं, और एक क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट कार्ड किसके अगेंस्ट में मेंटेन करते हैं, तो कॉस्ट कार्ड वारंट के अगेंस्ट में मेंटेन किया जाता है, वारंट वाइज कॉस्ट कार्ड मेंटेन किया जाता है। तो कॉस्ट कार्ड का ये फॉर्मेट नंबर है, ठीक है, IAFO 1962, SSIS, स्टोर होल्डर इनेबिलिटी सीट, इसका फॉर्मेट नंबर ये है, ठीक है, 1962, IAFO, है ना, 1639, और 1640, इन दोनों में, IFO 1639 और 1640 दोनों फॉर्मेट में यूज करते हैं सर्विस रिकॉर्ड को, सर्विस बुक को कह सकते हैं, सर्विस बुक, ठीक, दोनों में यूज होता है सर्विस बुक। IFO 1921, इसको IFD के लिए यूज करते हैं, इंटर फैक्ट्री डिमांड, ठीक, IFD जानते हैं, एक से दूसरे फैक्ट्री मटेरियल जो आता जाता है, ट्रांजैक्शन होता है, IFD के थ्रू होता है, परचेजिंग होता है, IFD एक होता है, IAFW 2240, ये होता है रिवेन्यू लेजर, रिवेन्यू लेजर, रिवेन्यू से जितने भी खर्चे होते हैं, रिसीव होते हैं, सबको इनमें लिखा जाता है, रिवेन्यू लेजर, ठीक है, रिवेन्यू लेजर होते हैं। और एक लास्ट बता दो कि 49,
IFA 55 55, ये होता है आपका हॉस्पिटल स्टॉपेज रोल। हॉस्पिटल में जो हम लोग भर्ती होते हैं उनका एक हॉस्पिटल स्टॉपेज रोल बनता है ना, उनके पैसे भी लिए जाते हैं, तो हॉस्पिटल स्टॉपेज रोल उसको कहते हैं, वो इनमें बनता है। ठीक है, फॉर्म नंबर तो बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे फॉर्म नंबर हैं, लेकिन मेनली यही सब फॉर्म नंबर हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इससे अधिक नहीं आता है, इससे इतना सब में ही आपका आ जाएगा। और पिछले बार जितने भी देखे गए हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इतने में ही आए हैं, इससे अधिक में नहीं आए हैं। ठीक है, इतने में ही क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, आज का क्लास ख़त्म करते हैं, फिर कोई एक वीडियो लेके आएंगे कोई क्लास का। ठीक है, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।